नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रंजना वेजफूड चैनल में। कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो हम सब्जी लेने के लिए आए हुए हैं और खेत के मलकिन देखा है, घास उपारत है खेत में। कहो दीदी, हम कोहड़ा तोड़ ले तो कोहड़वा ले जाओ, सब्जी बनाओ ले ले। हाँ तो ला। तो अभी आप लोग को बता दो दोस्तों कि मैं आई हूँ अपने बुआ के घर पे और ये जो खेती दिख रहा है आप लोग को मेरी बुआ का है, तुम्हारी बुआ जी है। ये कितना बढ़िया से इसको तैयार किया है, देखिए ऊपर कोहरा फर रहा है और नीचे जो है कंद लगा हुआ है। ये देखिए कोहरा, दीदी काहे का बांधे है वो माने नजर लगे तुम्हारा। अच्छा नजर लग जाए हाँ। बहुत बड़ा हो चुका, तो आइए आप लोग देख लीजिए। देखिए कोहरा बहुत ही बड़ा सा हो गया है, कितना बढ़िया से देखिए लटका हुआ है झलरे पर, तो लल्ला ढाक देता है नहीं नजर लग जाए। देखिए लाल कलर का जो ऊख होता है ना, ये वाला ऊख जो होता है बहुत ज़्यादा मीठा होता है और इसका जो खुइया होता है बहुत ज़्यादा नरम होता है। और देखिए यहाँ पर भी एक कोहरा है, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा सा लटका हुआ है और एक वहाँ पर भी है। अभी यहाँ पर देखिए एक कोहरा यहाँ पर भी लटका हुआ है, बाहर निकल रहे हैं झलरा से क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक कोहरा खड़ा हुआ है, आप लोग को दिखा देते हैं ये देखिए। तो ज़्यादा कोहरा का ज़्यादा पेड़ नहीं है लेकिन फिर भी पूरा देखिए फैल करके कितना ढेर सारा कोहरा जो है लटक कर खड़ा हुआ है। ये देखिए काफ़ी नरम है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा छोटा सा है देखिए। दीदी कौन वाला तोड़ी? हाँ वो बड़का तोल ये वाला। हाँ तो यही वाला कोहरा हम तोड़ेंगे। ये दीदी मुझे बताओ का तोहरे के कोहरा में नजर लागे? नहीं वो रे बताई गया। एक कोहरा में देखा वाले है इन कपड़ा और एक कोहरा नहीं और कोहरा नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम ये वाला कोहरा जो है तोड़ लेते हैं। और अब मैं अपनी बुआ के घर आई थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को अपनी बुआ के घर की खेती भी दिखा देते हैं और ताजी हरी सब्जी भी ले लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला कोहरा हमने तोड़ लिया हुआ है। दीदी का गवा जी आए हम लगाए हैं अबे लगा ना इनने। तो छोटा सा कोहरा की खेती आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है लेकिन कोहरे जो है काफी अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। तो अभी देखिए कोहरा लेकर के चलते हैं घर पे। तो चलिए आप लोग भी दोस्तों, अभी हम अपने घर आ गए हैं और कद्दू को साथ में लेकर आए हुए हैं। और अभी देखिए सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कद्दू को कट करेंगे, कद्दू को हम बीच से फाड़ लेते हैं। तो इतना कद्दू का हमको जरूरत है। अब हम इस छोटा छोटा जो है टुकड़ा कट करेंगे कोहरा का, छोटा छोटा टुकड़ा हम कोहरा काट लेते हैं। तो बीज हम निकाल दे रहे हैं, इसी तरीके से पूरा कोहरा जो है हम काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पूरा कोहरा जो है काट लिया हुआ है, अभी इसको हम धुलेंगे तो इसमें डाल देते हैं पानी। पानी डाल करके बढ़िया तरीके से जो है कोहरा हम धुल लेते हैं। इसको धुलने के बाद एक दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। अभी देखिए मैंने लिया हुआ है डेक्ची, डेक्ची मिलने लेवा लगा दिया हुआ है, चूल्हा में आग भी मैंने जला दिया हुआ है। तो चूल्हा पर रख देते हैं डेक्ची। तो अभी आप लोग को बता दें दोस्तों कि आज हम कोहरा का बनाएंगे लगदावा, जो कि हमारे घर वाले इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो यही हम बनाएंगे। डेक्ची में हम पानी डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है मटर का दाल, ये देखिए जो लगदावा बनता है कोहरा का मटर के दाल में ही बनता है। अभी इसमें हम पानी डाल करके दाल धुल लेते हैं। दाल धुलने के बाद इसको हम डेक्ची में डाल देते हैं। तो एक और डेक्ची हमने लिया हुआ है इसके ऊपर रख देते हैं और इसमें डाल देते हैं पानी। अब दाल को हम पकाएंगे। तो डेक्ची में पानी इसलिए रखे हुए हैं, इसे क्या होगा हमारा दाल जो उबलेगा तो बहेगा भी नहीं और ये पानी जो है हम फिर दोबारा से दाल में डालेंगे, गर्म पानी रहेगा तो दाल हमारा ज़्यादा टेस्टी बनेगा।
अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए दाल हमें हमारा जो है उबलना शुरू हो गया है। अभी हम डेक्ची हटा करके दाल को अपने चेक करेंगे। देखिए नीचे से जो है हमारा दाल पकड़ने लगा था, पानी पूरा सूख गया है और दाल देखिए हमारा एकदम बढ़िया तरीके से जो पक चुका है। तो कलछुल से हम फेर देते हैं दाल को। दाल फेंटने के बाद ये डेक्ची वाला पानी हम डाल देते हैं दाल करके, कलछुल से फिर हम मिला देंगे दाल में पूरा पानी। अब हम दाल में डाल देते हैं कोहड़ा, खटाई हमने लिया इसको भी डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। देखिए दाल में हमारे जो है उबाल आना शुरू हो गया है, कितना तेजी से जो है दाल हमारा उबल रहा है। देखिए चूल्हा में आग भी जल रहा है। अभी ढक्कन हटा करके दाल चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो कोहड़ा डाला हुआ था, कोहड़ा हमारा पक चुका है। तो दाल हमारा बहुत बढ़िया तरीके से जो है पक चुका है। अभी हम जो है डक्की उतार देते हैं चूल्हा से नीचे। देखिए मैंने कलछुल रख दिया हुआ आग पे, इसमें डाल लेते हैं तेल। तेल गर्म हो गया, मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन। अब हम इसमें डाल देते हैं एक हरी मिर्च और करी पत्ता। अभी हम दाल में छौंका लगा देते हैं। तुरंत ढक्कन का बंद कर देते हैं। अभी हम जो है कोहरा का सब्जी भी बनाएंगे, एकदम चटपटी सब्जी बनाएंगे। देखिए हमने कढ़ाई रख दिए हुए है और इसमें तेल डाल दिया हुआ है। तेल हमारा हो गया है गरम और यहाँ पर देखिए मैंने लिया हुआ अदरक लहसुन मिर्च का जो है मैंने इसको कुचल लिया हुआ है एक ही में। अब इसमें हम डाल देते हैं, हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, मैंने लिया हुआ सब्जी मसाला इसको भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा आलू भी काट लिया हुआ है, इधर कोहरा है आलू है, दोनों को डाल देते हैं। सब कुछ मिक्स हो चुका है तो अब नमक डाल लेते हैं इसमें हम। सब्जी को हम थाली पे ढक देते हैं और इस समय आग हम एकदम धीमा कर देंगे। तो थाली हटा देते हैं और थाली हटा करके सब्जी हम कलछुल से चला देते हैं और चेक भी कर लेते हैं, देखते हैं हमारा जो है सब्जी पका है कि नहीं। ये देखिए आलू चेक कर रहे हैं, हमारा जो है आलू एकदम पक गया है। तो सब्जी हमारी हो गई है तैयार। यहाँ पर आ गए हैं हम केला के पेड़ के पास। यहाँ हम केला का जो है पत्ता काटेंगे। केला का पत्ता हम ले लिए हुए हैं, अब चलते हैं चूल्हा पर। तो केला का पत्ता हम धुल कर लेकर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने चावल निकाल दिया हुआ है। हम इसमें परोसेंगे दाल। तो चावल के बीच में हमने देखिए हल्का सा जो गड्ढा बना लिया, उसी में हम दाल परोस देते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा दाल जो है बनके तैयार हुआ है। तो बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, मैंने जो है लहसुन और मिर्च से जो तड़का लगाया हुआ है। कोहड़ा की सूखी और चटपटी मसालेदार सब्जी हमारी जो है बन चुकी है। यहाँ पर हमने सब्जी भी परोस दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं मैंने जो कैंच का अचार बनाया हुआ था उसको। अस्सी खाने बैठ गए हैं। ये देखिए खाना परोसा जा चुका है और यहाँ पर तीन लोग देखिए खाने के लिए बैठ गए हैं। आज एकदम देसी थाली में खाना मिला हुआ है। आर्यन हाय करो। हाय करो। हाय। अभी सभी लोग खा रहे हो तो सब खाना का टेस्ट बताओ कैसा है। बहुत बहुत अच्छा है। कैसा आ रहा था खाना? कैसा आ रहा? अच्छा आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर वीडियो आपको सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें रिश्तेदारों और दोस्तों और रिश्तेदारों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब कर लीजिए। बाय 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 अंकल आंटी बोलो। अब आ जाए। बाय बाय सफल बाय।